ओम शांति। मैं इस साकारी संगमयुगी सृष्टि पर परमात्मा की श्रेष्ठ रचना, सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पवित्रता और शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरा स्थान इस सृष्टि चक्र में सर्वोत्तम स्थान है। मैं ब्राह्मण आत्मा पतितों को पावन बनाने वाली, पतित पावन गंगा हूँ। ज्ञान सागर शिव बाबा ने श्रेष्ठ भाग्यरथी द्वारा मुझ ज्ञान गंगा को दिव्य अलौकिक जीवन दिया है। ब्रह्मा बाप के साथ मेरा भी दिव्य अलौकिक जन्म है। नई सृष्टि की स्थापना के दिव्य कर्तव्य के लिए मैं ब्राह्मण खुदाई खिदमतगार हूँ। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली हूँ। कल्याणकारी बाप की मैं कल्याणी आत्मा हूँ। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ। सारी सृष्टि के ब्रह्मांड के आदि मध्य अंत को जानने वाली मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ। मन मना भव मामेकम मंत्र के अर्थ स्वरूप में स्थित एक बाप दूसरा न कोई। माया के पर धर्म प्रकृति के धर्म से मुक्त प्रकृति जीत आत्मा हूँ। कल्प वृक्ष के थूर में आदि पिता ब्रह्मा बाबा के साथ मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्रह्मा बाप के नक्शे कदम पर चलने वाली मैं शिव बाबा के आशाओं का दीपक हूँ। सृष्टि परिवर्तन का आधार मैं ब्राह्मण हूँ। मैं ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा हूँ। दिव्य गुणधारी विश्व सेवाधारी हूँ।
निश्चय बुद्धि, नष्ट मोहा आत्मा हूं। मुझ ब्राह्मण आत्मा का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता बनना। प्रकृति के आसन पर विराजमान मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं आत्मा देह के बंधनों से न्यारी होती जा रही हूं और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में समाती जा रही हूं। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। उमंग उत्साह के पंखों से आकाश तत्व से पार प्रकाश के कार्ब में उड़ता जा रहा हूं। प्रकाशमय दुनिया में जहां चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है।
स्वरूप की स्थिति में बाप दादा के साथ साक्षी होकर पाठ बजा रही हूं। धीरे धीरे मन और बुद्धि बल के द्वारा इस सूक्ष्म देह को भी त्याग कर मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने निराकारी दुनिया में जा रही हूं। कितना हल्कापन महसूस कर रही हूं। दिव्य चक्षु द्वारा मैं अपने घर को देख रही हूं। सुनहरे लाल दिव्य प्रकाश का ये घर कितनी असीम शांति और दिव्यता से आलोकित है। इस धाम में मणियों के समान चमकती आत्माओं को देख रही हूं। अंतर चक्षु से मैं स्वयं को प्रकाश पुंज के रूप में देख रही हूं। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभामंडल फैला हुआ है। यहां मैं अपने अनादि सतोगुणी स्वरूप में स्थित हूं। यह संपूर्ण स्वरूप कितना सुखदाई है। मुझ सितारे में सारे गुण समाहित है। मैं अनेक गुणों का पुंज हूं। सर्व गुणों से संपन्न स्वरूप में स्थित हूं। मैं अपने अनादि संपूर्ण स्वरूप में मन और बुद्धि को एकाग्र करती हूं। मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा परम पवित्र है। इस प्यारे दिव्य वतन में चारों ओर अनंत पवित्रता की आभा बिखरी हुई है। अंतर चक्षु से मैं परम ज्योति बिंदु को निहार रही हूं। मैं परम तेजस्वी प्यारे शिव बाबा के सन्मुख हूं। बेहद के घर में बेहद बाबा के साथ हूं। बाबा के सानिध्य में स्वयं को खुश किस्मत महसूस कर रही हूं।
प्राणेश्वर बाबा की किरणों रूपी बाहों ने मुझे अपने में समा लिया है। वृक्षपति शिव बाबा के साथ मैं आत्मा भी बीज स्वरूप हूं। उस परम ज्योति बिंदु के समीप अनंत अनुभव के सागर में समाई हुई हूं। शिव बाबा से प्रकाश और शक्ति की किरणें मुझे समर्थ और शक्तिशाली बना रहे हैं। बाबा की लाइट और माइट की शक्ति से मैं अपने पूर्व संस्कारों को मर्ज करती जा रही हूं। उनकी शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा भी बाप समान स्थिति का अनुभव कर रही हूं। ये संपूर्ण शक्तिशाली किरणें मुझे बाप समान तेजोमय बना रहे हैं। मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा, मेरे सारे विकर्म दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा शुद्ध और सत्य स्वरूप हूं। मैं आत्मा बेदाग हीरा हूं, एक मणि हूं। निर्मल पावन हूं। मैं निराकार प्रकाशमय स्थिति में स्थित हूं। मैं अशरीरी आत्मा हूं, विदेही हूं, अकाल मूरत हूं। बाबा, मेरे मीठे बाबा, कितना न शुक्रिया करूं मैं आपका, जो आपने कितने प्यार से मुझ आत्मा को अपनी पवित्रता की विरासत दी है और अपने जैसा बना दिया है। मैं निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्थिति में स्थित हूं। मैं आत्मा अपने अनादि संपूर्ण स्वरूप में स्वयं को स्थित करती हूं। संपूर्णता के संस्कार को इमर
ऐसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्म सुख भोग कर मैं आत्मा द्वापर में मंदिरों में भक्तों के पूज्य इष्ट देव स्वरूप में विराजमान होती हूँ। कितने आलिशान मंदिरों में बड़ी श्रद्धा से भक्त हमें पूछते हैं, मेरा पूज्य स्वरूप का दर्शन करने कितने भक्त मंदिरों में प्रार्थना भजन आदि गा के पुकार रहे हैं, मेरा पूज्य स्वरूप भक्तों को पवित्रता और दिव्यता का दर्शन कराता है और अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं परमात्मा मेरे द्वारा पूरी करता है। परमात्मा के साथ साथ मैं भी दुखी आत्माओं को सकाश दे रही हूं। और उन्हें प्रेरित कर रही हूं कि अब संगम युग पर आकर परमात्म वर्षे के अधिकारी बने। मैं कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं जो स्वयं भगवान ने अपने श्रेष्ठ कार्य में मुझे मददगार बनाया है। करण करावनहार बाबा के साथ सर्व के लिए प्रेम दया कृपा स्नेह भाव के प्रकंपन फैला रही हूं। प्यारे बाबा के साथ पूरे विश्व में भ्रमण कर रही हूं। प्रकृति और सर्व आत्माओं को पवित्रता और शक्ति की किरणें दे पावन बना रही हूं।